Hey guys, this is Heather Ali Shah और आप रख रहे हैं हैदर शो। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने पे। मैं आपको बताऊंगा 5 सीक्रेट्स के किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सकता है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो करना है दोस्तों आपने वही करना है। सबसे पहला जो सीक्रेट है वो ये है कि आपने अपनी जिंदगी से नेगेटिव लोगों को निकाल देना है। जो लोग आपको पीछे लाते हो या जो इस तरह की बातें करते हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये करना बेकार है या कोशिश करना नहीं चाहिए, बेकार काम है, खराब हो जाएगा काम, ऐसे लोगों को आप अपनी जिंदगी से निकाल दें। क्योंकि अगर ऐसे लोग आपकी जिंदगी में रहेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे ज्यादा, तो आप कभी भी अपने आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। इसी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते जाते हैं कि आप लोग ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जो आपको बोलते हैं कि नहीं ये काम नहीं करो, आगे नहीं बढ़ो, इस तरह से ये काम में नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है कम हो जाता है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि अपनी जिंदगी से जो लोग आपको नेगेटिव लगते हैं उनको आपने निकाल देना है। जो कि इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि काफी जगह ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में ऐसे लोग होंगे आपके साथ जो काफी नेगेटिव होंगे, लेकिन उनको निकालना इतना आसान नहीं होगा अपनी लाइफ से। लेकिन जब तक आप उनको इग्नोर करना नहीं सीखेंगे और जब तक उनकी बातों को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर देंगे ना, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहला जो काम है आपने ये करना है, नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना है। काम करना है वो ये है कि दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करें। आपको कैसा लगता है जब आपके बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट करता है? तो जाहिर सी बात आपको अच्छा लगता होगा, तो इसी तरह दूसरों को भी अच्छा लगता है। जो लोग उनके बारे में कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी और को, वो लोग ज्यादा उनको पसंद होते हैं। जैसे कि हमारे बारे में कोई हमसे बोले नाइस शर्ट, नाइस शूज, तो मेरे बारे में उस शख्स के बारे में जो परसेप्शन होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। मैं उसको सॉफ्ट हार्ट रखूंगा अपने लिए कि मुझे तारीफ करता है मेरी ये। इस तरह से आप जब लोगों की तारीफ करेंगे और लोग आपको पसंद करने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा और आपको खुशी होगी इस बात की कि आप सामने वाले को खुश कर रहे हो। अगर आपको किसी कोई चीज़ पसंद नहीं भी आ रही तो उसके मुंह पे बोलना जरूरी नहीं है आपने कि आप उसके मुंह पे बोल दो बेकार चीज़ें, अच्छी नहीं लग रही। आपने क्या करना है कि उसकी तारीफ करनी है, उसको समझाना है, और ऐसे वे में समझाना है कि उसको बुरा भी ना लगे, सही है। और आपने सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करना है। सेकेंड जो सीक्रेट है वो ये है, थर्ड काम करना है आपने, सीक्रेट थर्ड सीक्रेट जो है हमारा वो ये है कि आपने अपनी बॉडी के साथ दिन में एक काम जरूर करना है। जिस तरह से अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है आपने, अगर आपकी बॉडी जितनी अच्छी होगी उतने ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उसी तरह डाउन होता जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे अपनी वीडियो सेंड कर रहे होते हैं आप लोगों को, बाइसेप की किसी दिन कुछ कर रहे हैं, तो स्क्वाट्स लगा रहे हैं, और आप लोग मजाक उड़ा रहे होते हो कि यार किस तरह से क्या फालतू की वीडियो शेयर कर रहे हैं। लेकिन वो आप उनका कॉन्फिडेंस चेक करो कि आपसे शेयर तो कर रहे हैं कम से कम, क्योंकि जब आप कोई चीज़ अपनी शेयर करते हो किसी के साथ तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से आप अपनी बॉडी पर ध्यान दें। आपने रोज एक काम जरूर करना है कि अगर वॉक पे जाएं आप किसी दिन, आप कुछ नहीं कर सकते, पुशअप्स कर लें, डिप्स लगा लें 6 सुबह में, ये तो कर सकते हैं ऑफिस जाने से पहले। आप रोज आपने अपनी बॉडी को कुछ 10 मिनट जरूर देने, आप देखें आपके किस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल में आपका बूस्ट होता है, किस तरह से फर्क आता है आप में। फोर्थ सीक्रेट है वो ये है कि आप देखते हैं जिस तरह से आपका स्टमक को भूख लगती है ना, इस तरह से आपको दिमाग को भी भूख लगती है। लेकिन दिमाग भूख में क्या करता है, खाना नहीं खाता। वो क्या खाता है, उसको चाहिए होती है नॉलेज, उसको चाहिए इन्फॉर्मेशन। जिस तरह से हम अपनी बॉडी का कोई भी मसल डेवलप करते हैं ना, कि जिस तरह एक्सरसाइज करके हम अपनी बॉडी के बाइसेप बनाते हैं, चेस्ट बनाते हैं, इसी तरह से हमारे माइंड को भी डेवलप होने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ये मसल नहीं है, आप समझते हैं ये बन नहीं सकता है, डेवलप होता है। इसी तरह से कि अगर आप इसको जितनी नॉलेज देंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन इसको देंगे, ये कहीं ना कहीं उसको फीड करेगा और ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को काफी बूस्ट करेगी। जब आपको काफी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी ना, और आप कहीं बैठेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, तो आपके देखिएगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी और किस तरह से आपकी बॉडी में कॉन्फिडेंस आता है और आपको सामने बात करने की तरीका आता है सामने किसी। तो गाइस जो हमारा लास्ट और फिफ्थ सीक्रेट है वो ये है कि आप किसी की मदद करें। सामने आप कभी किसी की मदद करेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कितनी खुशी होती है और आप कितनी ज्यादा अंदर सुकून मिलता है। जितने आप ज्यादा स्ट्रेस फ्री होंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। कभी आप किसी की मदद करके देखें, किसी को बगैर बताएं, अपने किसी दोस्त को नहीं बताएं, किसी फैमिली मेंबर को नहीं बताएं, और जाएं किसी गरीब बच्चे को खाना खिला के देखें, तो आपको जो अंदर सुकून मिलेगा ना वो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। जितनी ज्यादा आप हेल्प कर सकते हैं दूसरों की, इतने ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा, क्योंकि आपको जितनी खुशी होगी ना अंदर से, वैसी खुशी आपको कहीं और नहीं मिल सकती। गाइस ये थे हमारे कुछ सीक्रेट्स कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।